इस विद्रोह चैनल का उद्देश्य किसी जाति धर्म पंथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने समाज में तर्क विज्ञान की भावना पैदा कर समाज से अंधविश्वास पाखंड को मिटाना है। इसलिए इसे किसी जाति धर्म पंथ की भावनाओं से न जोड़े, ऐसा करना आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। अब चल, तुझसे खड़ा नहीं हुआ, अब मैं करता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। अब तुमसे नहीं हुआ, अब मैं करके दिखाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। हाँ, अब मजा आएगा। बात था, जिसका खड़ा हो जाएगा वो चार चप्पल मारेगा। अब ले, खा। साला बात था, धीरे धीरे मारने का, जोर जोर से मारा है। अब ला, मैं खड़ा करता। अब तू खा मेरे से करियक्का चार चप्पल। फोन तो साला धीरे से मारे हैं, इस साला जोर से मार दिया है। रुक, तुझे बताता हूँ। हट, अब नहीं खेलेंगे। अब दोनों गोटा के बराबर हो गया। अब चलो दूसरा खेल खेलते हैं। चलो 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 चलो, अंतराक्षी खेलते हैं। चलो इस पेड़ पर बैठ के आराम से खेलेंगे अंतराक्षी। चलो शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करो अंतराक्षी लेके घोड़ा बाबा के नाम। मौसे गाओ। अरे भूतनी के, तुमको तो स्कूल जाना था, यहाँ कथी कर रहा है रे तू? भूतनी का मत बोलिए बेटा, है बाप की तरह बोलिए। अरे साला, रुक, तोरा के बाप की तरह बताते। जा सब जल्दी स्कूल, नहीं तो मार के दे तोड़ देंगे। कहाँ जाए स्कूल, पढ़ लिख के क्या होगा? बीए पास के कौन सा तीर मार लिए? बताओ बताओ, मैंने क्या तीर मारा, ऐसे बताओ। हाँ हाँ, हमको सब पता है। हर संस्था अब सरकारी से प्राइवेट हो रहा है, अब हम पढ़िए लिख के कहाँ नौकरी करेंगे? साले बाप के नाम लतीपति, बेटा के नाम करोड़पति। साले स्कूल जाओ, नहीं तो मार के गर्दे छोड़ा देंगे। हाँ हाँ, एगो तो 3 महीना से स्कूल का फीस नहीं भरे, उसी में ज्ञान दे रहे हैं। जाइए जाइए, पहले कॉपी कलम खरीद के ले आइए। अरे जो कॉपी कलम खरीद के दिए थे उसको क्या किया? सब कॉपी कलम बेच के फुलगेनवा के नथिया गिफ्ट कर दिया। रुक रे फुलगेनवा के लफ, रुक। साला बाप मरे हार घर में, अब बेटा के नाम पावर है। सी साला फुलगेनवा के चक्कर में सारा जगह जमीन बेचवा दी। अरे बसिया है का चला? बाबा जी फ्रेश माल है। चाप के पिए कौसे आखमन के? का चाप के पिए, लग रहा है बासी है, 2-3 दिन के रख ले है। छोड़े चले, मेरा पैसा लाइए। चला पैसा तो नहीं है, जा रहे हैं किसी को चूना लगा के आते हैं। ठीक है, हेलो निरंजन। एक पैकेट कलम दे दे। हेलो निरंजन, बच्चा इस दुकान पे बुरी आत्मा का साया है। बाबा यहाँ कॉपी कलम का दुकान है, यहाँ पे साया ब्लाउज नहीं मिलता है। अबे मूर्ख, हम उस साया ब्लाउज का बात नहीं कर रहा, भूत प्रेत का साया। तो बाबा हमें अब क्या करना होगा? बाबा इस पे नींबू मिर्ची लटकाना होगा, तब जाके भूत प्रेत का साया हटेगा इस पर से। शुभ काम में देरी क्या, तो लटकाइए ना। था इसके लिए बच्चा कुछ दान दक्षिणा देना पड़ेगा। बाबा मिलेगा, आप लटकाइए तो सही। ठीक है बच्चा, लगाते हैं। बाबा इसको लगाने से सच में बुरी आत्मा नहीं आएगा। तो क्या यहाँ मजाक चल रहा है? इस दुकान पे बुरी आत्मा तो क्या, चोर भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा बच्चा, कुछ दक्षिणा तो दो ना जल्दी। अरे इतना से क्या होगा, और ना दो। आलोक निरंजन, हो भी सकता है। हेलो मोथो। हेलो, अब बोलिए क्या हुआ, अर्जेंट है? अच्छा ठीक है, आते हैं। ताला कहाँ गया, जल्दी में जाना है, ताला मिल नहीं रहा है। ठीक है, साला ताला।
साला कहाँ चल गया, मिल नहीं रहा है, बहुत जल्दी में जाना है, कहाँ गया? बाबा इसको लगाने से सच में बुरी आत्मा नहीं आएगा। तो क्या यहाँ मजाक चल रहा है? इस दुकान पे बुरी आत्मा तो क्या, चोर भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा अभी दिमाग लगाते हैं। मिर्चाई कहाँ है? मिर्चाई यहाँ पे है। और नींबू किधर गया? नींबू नींबू यहाँ पे। अब हो गया, तलम नहीं रहेगा तो इसे काम चल। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाए हैं? अरे वो मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था ना। वाह निकल गया? नहीं फिर फेल हो गया। सिट यार, तो अब क्या करना है? वही जो हर बार करते हैं। गौतम भाई, हमें तो लड़कियों ने लूटा, छोरों में कहां दम था, हमारी किस्मत डूबी वहां जहां शिक्षा व्यवस्था कम था। बात तो तुम सही बोल रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बात सही है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गौतम भाई हमको अब ओवरलोड हो गया, चलिए निकलते हैं। लोड मेरा भी हो गया। अरे अरे बाप रे, सब चोरी हो गई। मार 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 मार, अरे इधर आ, इधर आ, इधर छुपा हुआ, इधर छुपा हुआ है। अरे अरे जा जा, उसको रिवाइव कर, रिवाइव कर उसको। अरे उसको रिवाइव कर ना, मेरे पास आ, मेरे पास आ। इधर 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 बंदा है, इधर बंदा है घर में। ग्रेनेड 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 कर 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 ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। अरे आज फिर आ गया तू, क्या घंटा आ गया? मेरे घर का पूरा सामान चोरी हो गया। कैसे? आप उस दिन कॉल किए थे, बोले थे सर अर्जेंट है आओ जल्दी, तो हम अर्जेंट के चक्कर में बताइए ताला खोजे, ताला नहीं मिला, तो नींबू मिर्ची लटका दिए और वहाँ से जल्दी जल्दी में चले। जब वहाँ से हम वापस गए तो सामान पूरा चोरी हो गया था घर में के, बताइए। लगता है तुझे बिना पिए चढ़ गया था। ताला की जगह कौन बोला था नींबू मिर्ची लटकाने के लिए? चोरी नहीं होगा तो क्या होगा? कैसे चोरी हो जाएगा? हम उस दिन किताब के दुकान पर गए थे किताब खरीदने बच्चों सब के लिए, वहीं पे हमको एक बाबा मिले थे। वो बोल रहे थे कथी से नींबू मिर्ची लटकाने से भूत प्रेत का साया नहीं आता है, जब भूत प्रेत का साया नहीं आएगा तो चोर कैसे आ जाएगा बताइए। इसीलिए जल्दबाजी के चक्कर में हमने ताला के जगह पर नींबू मिर्ची लटका दिया, हमको क्या मालूम था चोरी हो जाएगा। तुम इतना बड़ा बेवकूफ हो, मुझे नहीं पता था। हम बेवकूफ है? सबके दरवाजा पर नींबू मिर्च लटका होता है, क्या वे सब बेवकूफ है? यहाँ तक कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कुछ दिन पहले राफेल खरीदे, उसकी सुरक्षा के लिए नींबू मिर्ची लटका कर उसकी सुरक्षा की, क्या वे भी बेवकूफ है? क्या कर सकते हैं, गलती तेरी भी नहीं है। जब इस देश के पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हायर एजुकेशन को प्राप्त किए लोग इस तरह की हरकतों को करते हैं तो आम जनता का क्या? इस देश का सत्यानाश भी इसी अंधविश्वास पाखंड के कारण होगा। गाय का गोबर पूजते पूजते स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि लोग गाय का गोबर खाने लगे हैं, गौमूत्र को पीने लगे हैं और गाय के दूध को बहाने लगे हैं। फालतू की बात मत कीजिए, ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है और इस पर सवाल मत उठाइए। जब यह तुम्हारे देश की सभ्यता संस्कृति है तो क्यों नींबू मिर्ची तुम्हारे घर की रक्षा नहीं किया, क्यों चोर चोरी करके चला गया? साला यही तो समझ में नहीं आ रहा, जबकि हर सोमवार को व्रत रखता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, बीच बीच में तीर्थ धाम भी घुमाता हूँ, भगवान में पूरा आस्था रहता है, फिर भी चोर चोरी करके लगे। तेरे साथ ही चोरी इसलिए होता है कि तुम किसी चीज को जानना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ मानना चाहता है। कभी सोचा ये भूत प्रेत आत्मा का जो साया होता है वो गरीब लोगों के पास ही क्यों जाता है, वैसा जगह क्यों जाता है और या वैसे लोगों को क्यों पकड़ता है जो शिक्षा के अभाव में शिक्षित नहीं हो पाते हैं, अशिक्षित होते हैं, वैसे लोगों के पास ये भूत प्रेत क्यों जाता है? कभी सोचा है कि अमिताभ बच्चन के घर में कोई भूत चला गया हो, ये अक्षय कुमार के घर में भूत चला गया हो, ऐश्वर्या राय को भूत पकड़ लिया हो, किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया हो, क्या कभी देखा है उसको भूत पकड़ते हुए?
किसी पूंजीपति के घर में पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर के घर में किसी को भूत ने पकड़ लिया, ये कभी नहीं सुने होंगे। अगर उन लोगों के पास इस तरह का कोई शिकायत होता भी है, बाई चांस अगर ऐसा होता नहीं है, अगर होता भी है तो वे लोग डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, साइकेस्ट्रिक से इलाज करवाते हैं और अपने समाज के लोग ओझा तांत्रिक के फेर में अपना और अपने को बर्बाद करते हैं। बात आपका सब सही है और बात में आपके दम भी है, कोई काट नहीं सकता है, लेकिन मेरे नज़र में एक बाबा है जो मेरे चोरी हुए सामान को भविष्यवाणी से पता लगा। पागल इंसान। तो साथियों, देखा आपने, कुछ ऐसा ही हाल अपने समाज के लोगों का है। बड़ी मुश्किल से कुछ अगर वो सत्य को स्वीकार कर भी लेते हैं, लेकिन अंततः फिर एक सुपर पावर, सुपर शक्ति का नाम अलापने लगते हैं। देखते हैं ये बाबा के पास जाकर किस प्रकार से अपने चोरी हुए सामानों का पता लगाता है, ये आपको पार्ट टू में दिखाया जाएगा। अगर मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें। साला पूरा पागल निकला, इस चोरी से उसे कुछ सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था, सही गलत का फर्क करना चाहिए था, लेकिन पूरा इसके दिमाग में गोबरे भरा हुआ। पता नहीं क्या होगा इस देश का, इसे अभी भी बाबा का नशा पकड़े हुए है।